देखिए दोस्तों, मैं कहाँ पे आया हूँ, भूटान का इंट्रेंस में हूँ। ठीक है, तो इंट्रेंस से बाहर निकलता हूँ तब तो आपसे बातें करता था। यहाँ पे तो आपको वीडियो बनाने इतने अलाउ नहीं है, उसके लिए मैं आपको बाहर में उनका इंट्रेंस के बाहर में। ठीक है, और मैं इंट्रेंस ने इधर आई कार्ड लिखा बाहर आ चुका हूँ भूटान का। ये है इंट्रेंस, मेरे पीछे देखिए पेडेस्ट्रियन टर्मिनल लिखा गया है। देखें ये है, आज कितना दिन हो, यानी कि 2 महीने बाद में मैं आ रहा भूटान अपना। ठीक है, आपको मैं दिखाना चाहता भूटान में ये भी हो गया फ्लावर। ये फ्लावर मैंने आपको एक तो ब्लॉग में दिखाया था, गणेश प्रधान जी का जो बिल्डिंग था ना, बिल्डिंग के पास में था ये फ्लावर। देखिए कितना खूबसूरत नज़र आता है। 2 महीने बाद में मैं इस भूटान पर आया हूँ। देखिए भूटान में बहुत सारा धूप लगा है, मौसम भी खिलखिला उठा है, खिला हुआ मौसम है, बहुत बढ़िया है। देख भूटान में भी, भूटान का मौसम भी सुहाना है, दिल दीवाना है। ठीक है दोस्तों, ये मौसम भी सुहाना है, दिल दीवाना है। तो देरी ना करते हुए सबसे पहले तो आप सब लोगों को गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग हार्ट माय बॉटम ऑफ हार्ट से। ठीक है, सभी यूट्यूब व्यूअर्स और यूट्यूब फैमिली को मेरा हार्दिक शुभकामनाएँ और प्रातः शुभ ज्ञान। ठीक है, सब गुड मॉर्निंग, सब गुड मॉर्निंग। देरी ना करते हुए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थापा ब्लॉग्स। मैं कृष्णा थापा, आप सबके सामने एक और वीडियो और एक नया दिन। तो आप देखिए फूलों का मज़ा लीजिए, इस फूलों का गुलदस्ता का मज़ा लीजिए, कितना खूबसूरत सा है, कितना खूबसूरत सा। आज मैं हल्का सा भूटान का एक दृश्य डाला हूँ, जो मेरा जो पिछले वाला ब्लॉग है वो कंटिन्यू ही रहेगा, उसी ब्लॉग पर ये ब्लॉग भी आएगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। तो इस प्रकार है, वहाँ पर मेरा वाइफ मेरे बुला रही है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तो बाद में आपसे मिलता हूँ, आपसे मुलाकात करता हूँ। पैलेस सेंटर, यहाँ ये फ्लावर भी खिला हुआ है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। ये है भूटान, जैसा है वैसा है, जैसा मैंने छोड़ दिया था वैसे है। क्या दिन, चलो ये देखिए लोग कितना भीड़ है, सब अपना अपना कामों में लगे, कोई आ रहा है कोई जा रहे हैं। इंटर से भूटान गेट है, वो वाला सब भूटान गेट है, आपको मालूम ही है। ठीक, चलते हैं भूटान से, हम लोग वैसे घुसे वैसे निकले। ठीक है, इतना ही था भूटान का। तो आप सबसे मैं बात नहीं मिलता अपना इंडिया अपना जगहों में जाकर के। ठीक है, अब तक पहले बने रहिए मेरे वीडियो पे। हाँ, तो मैं जैसे ही भूटान घुसा वैसे ही जगहों में आ गया। देखिए इतना हम लोग का बॉर्डर इतना ऐसा है, मतलब बहुत ही प्यारा सा है भूटान, हम लोग का भूटान देश। ठीक है, भूटान में जाता अलग ही वाइब्स, अलग प्रकार वाइब्स आता है। इंडिया में जैसे आता है उसका वाइब्स अलग रहता है, जगहों का और भूटान का वाइब्स दोनों अलग अलग है। साथ में तो है लेकिन वाइब्स उसका बहुत अलग अलग। यहाँ के लोग देखिए, भूटान का लोग देखे, यहाँ का ट्रैफिक देखे और भूटान का ट्रैफिक देखे, बहुत सारा अंतर मिलेगा दोस्तों आप लोग को। जो जो भी नहीं आए होंगे भूटान, एक बार आइएगा आपको मिल जाएगा। ट्रैफिक में कितना डिफरेंट है हम लोग का जगहों से भूटान। ठीक है, आ गया हूँ अभी मैं अपना बसंती की तरफ जा रहा हूँ। बसंती स्टार्ट करते हुए हम लोग घर की तरफ जाएंगे। बहुत धूप है आज, तो बहुत सुहाना मौसम है, लेकिन धूप में तो मालूम है आप लोगों को कितना दिक्कत आता है हम लोगों को और सभी लोगों को जो भी काम वाम करते होंगे, सभी को दिक्कत आता ही है धूप में। तो क्योंकि गर्मी बहुत रहता है, हल्का सा बादल छाया रहता था, अच्छा रहता था। बारिश तो आज बिल्कुल नहीं होगा साथ, मेरे ख्याल से आकाश भी बहुत क्लियर ही है। तो इस प्रकार का नज़ारा दूसरे सुबह सुबह का मॉर्निंग टाइम में दोस्तों मैंने आपको जो दिखाया है, तब तक के लिए बने रहिए। और एक वीडियो और एक लोकेशन पर, नहीं तो कहीं ना कहीं किसी रास्ते या मोहल्ले पे। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों शुक्रवार होते हैं जीतू लाइन होते हैं, मैं गोभी मोहन पहुँच रहा हूँ। ठीक है, देखिए इसे ऐसे रास्ते हैं, ऐसे रास्ते से होते हुए यहाँ से रास्ता जाता है एडमिशन रिसोर्ट की तरफ, रिवर टूसा रिसोर्ट की तरफ, ऐसा है कुछ इस प्रकार के नज़ारे हैं। देखिए पीछे में ऐसा है, साहब अभी नहीं आए, मैं दवा बना रहा, दवा लेके मैं नहीं आया था वहाँ पे जर्मन होम्योपैथी, यहाँ पे हमेशा भीड़ भाड़ रहता है। देखिए बस वगैरह दुकान वकान सब खुला है, ये है गोभी मोहन चौक। ठीक है, बस आप कभी जा सकते हो, देखिए बस पूरा भीड़ भाड़ वाला एरिया है, ये ऑटो का बस का कुछ इस प्रकार से नज़ारे हैं। अभी लग जाता था वो गाड़ी, क्या करता है मालूम नहीं। ये देखिए कैसा कैसा गाड़ी चला रहे, देखिए कहाँ कहाँ टर्न कर रहे, जबरदस्ती एकदम जबरदस्ती है। ये देखिए जाम हो गया, एक ही जैसे मैं वैसे जाम हो गया। देखिए इतना बड़ा ट्रक वगैरह बस वगैरह सब इसी जगह चलते, देखिए कितना जाम है। देखिए गोभी मोहन बहुत बिजी रास्ता है, बिजी रास्ता, सबसे बिजी रास्ता ये। देखिए इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, ट्रैक्टर निकल रहा है, कितना बिजी रास्ता है। गाड़ी इतना बड़ा थे भूटान में लोडिंग के लिए जा रहा, भूटान बीच से गाड़ी निकला, ऐसा देखने में मज़ा आता है ना, मेरे को मज़ा लगता है ऐसा। ट्रैफिक में कितना ट्रैफिक है, देखिए जोरदार ट्रैफिक है, इतना बढ़िया। तो ये सब था आपको दिखाने लगे थे, देखिए जोरदार ट्रैफिक रहता है, ये गाड़ी कहाँ बीच में अटका दिया। ये देखिए ये माय स्टार का स्टेटमेंट खुल गया है, कुछ ऐसे है, ये गाड़ी देखिए अटक गया है वहाँ पे, अटक गया है। तो ऐसे है, तो मैं चलता हूँ अपना। तो कितना जाम था हमें आपको दिखा गोभी मोहन ट्रैफिक का, अपना जगह तो सुनने में छोटा लगता, लेकिन देखिए ट्रैफिक कितना रहता है यहाँ पे भूटान के चलते। ये तो भूटान का बड़ा बड़ा लंबा लंबा सा गाड़ी आ जाता है, बस हम लोग का ऑटो वाला, और अभी इलेक्ट्रिक ऑटो निकल गया, पहले डीजल ऑटो था, अभी इलेक्ट्रिक ऑटो हो गया, टोटो भी हो गया, उसका रिक्शा भी है, सब चीज़ हम लोग का देगा मोटो ना, उन्हें कोई भी चीज़ नहीं देखनी आप, इतना गाड़ी घोड़ा चलता है, ऐसा है हम लोग का जगह। अच्छा लगता है अपने जगहों को, आम चीज जगहों को बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, और मुझे अपने जगहों से बहुत ही प्यार है, बहुत ही प्यार है मेरे को तो, दुनिया के इसी कोना भेज दे, लेकिन मेरे को आना तो जगहों पड़ता है कि मैं जगह ही मेरा सबसे बड़ा पसंद इलाका है। ठीक है, तो ऐसा है मैं आ चुका हूँ, अभी होम्योपैथी दवा बना के नहीं बना, दवा ले लिया हूँ होम्योपैथिक से, अब तो निकलता हूँ थोड़ा ये साइड जाऊँगा, वहाँ का दवा है रख लेता हूँ, यहाँ पे जाऊँ या वहाँ पे जाऊँ, वहाँ पे जाता हूँ इस साइड पे जाता हूँ। ठीक है, तब तक बने रहिए मेरे साथ में। तो दोस्तों अभी घर पे हूँ मैं, थोड़ा अभी अपना काम करने को जा रहा हूँ, जो मेरा रेगुलर काम है, जो मैं रेगुलरली करता हूँ और करना पड़ता है मेरे को। ठीक है, वो ये काम है देखो, चॉपिंग का, चॉपिंग करने का, कैबेज ऑनियन, ठीक है ये दो चीज़ चॉपिंग करने का डेली का रेगुलर काम है मेरा दोस्तों। हाँ क्या करूँ, काम तो करना पड़ेगा, बिना काम किए माम नहीं मिलेगा। कफ और काम, कफ और खाना कहा जाता है, कफ जब पढ़ते हैं हम लोग,
उस टाइम भी ऐसे कहते थे, काम के बिना माम इल्ले नहीं मिलता है। मेरे माँ बाप भी ऐसे कहते थे, काम तो करना बहुत जरूरी है। और आज हम लोग देखे क्या लेंगे, फिश फिश लेंगे। ठीक है, हम लोग फिश लाए हैं। देखिए हल्दी पाउडर डाला गया है, ये फिश रोआ फिश, रुई फिश कहते हैं हम लोग, रोआ भी कहते हैं। ठीक है, ये बिहार का फिश का हम लोगों को क्या है, बिहार का है कि ना किस का है रे बाबा? ये देखिए, बिहार का हो तुम कि बंगाल का हो भाई? नहीं बिहार का हो, अच्छा बिहार का बता रहे। नमक भी डाल दिया, इसको रोस्ट करेंगे, मैगनेट करेंगे और इस कढ़ाई पर डाल के फ्राई करेंगे, फ्राई। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग का तो दोपहर का डिनर, दोपहर का लंच यही होगा, मच्छी। मेरा वाइफ देखे कैसे बना रही है, वो देखे गुस्सा कर रहे है। तुम तो हमेशा कैमरा लेके देखे मेरे पीछे पड़ते हो, ऐसा बोलता है हमेशा। तो ये देखे, तो फिश खाएंगे आज हम लोग। और मेरा काम आ गया है दोस्तों, काम आ गया है, काम तो करना ही पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, मैं अपना काम करके निपटाता हूँ काम को, उसके बाद फिर आपसे एक बार फिर आपसे मुलाकात करता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए फ्राई मछली, कितना खूबसूरत ढंग से फ्राई कर रही है मेरा वाइफ। देखिए दोस्तों, गर्मी है अभी तो, थोड़ा सा धूप बादलों के पीछे छिप गए हैं, धूप हवा हवा आ रहा है, हवा देखिए हवा आ रहे है, मौसम देखा आपने पीछे में, हवा भी आ रहे हैं और अच्छा लग रहा है। इससे पहले तो बहुत गर्मी था, गर्मी से बुरा हाल हो गया था हम लोग का, क्योंकि ज़्यादा गर्मी हम लोग को बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि पहले इतना गर्मी तो नहीं होता था मेरे को ऐसा लगता है। अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग गया, एक कुल्भी वाला जा रहे हैं, गोला वाला जा रहे हैं। देखिए भैया लोग, गर्मी के टाइम में ये सब सेलिंग होता है ना, इसके लिए जाते हैं। कभी भी अंधेरा सा हो गया, अभी बादल वादल छा गए हैं। मेरे को तो लगता है कि अभी शाम का टाइम में, आफ्टरनून में 2 बजे बाद में या 3 बजे बाद में शायद मोटा मोटी तो ना हल्का फुल्का बारिश होगा, मेरे को तो ऐसा लगता है, गॉड फीलिंग मेरा ऐसा आ रहा है। तो दोस्तों यही सब था आज का वीडियो में, तो ठीक है, तो ये वीडियो मैं यहीं तक रखना चाहता हूँ। जो कुछ भी हुआ मेरा वीडियो में, मैं आपको सबको दर्शाया हूँ, दिखाया हूँ, मैंने कोशिश किया हूँ, अपने दिल से कोशिश किया हूँ दोस्तों, ताकि आप लोगों को अच्छा लग सके, आप लोगों को मेरा काम अच्छा लग सके। और बार बार यही कहता हूँ दोस्तों, जो भी नए व्यूअर्स होंगे मेरे, जो मेरे फैमिली से जुड़ना चाहते हैं, कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, ज़रूर। ठीक है, मैं इसी के लिए इंतजार करता हूँ, इसी चीज के लिए। तो ये सब था दोस्तों, ठीक है, तो क्या कहना, मैं तो आपको बार बार कह रहा हूँ और अच्छा सा दूसरे भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, दिखा ही रहा हूँ, आप लोग भी मजे ले ही रहे होंगे। और कृपया मेरे वीडियो को हमेशा वॉच कीजिएगा और देखिएगा और इंजॉय कीजिएगा मेरे वीडियो को लेकर। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में गुड बाय, नमस्ते, सलाम, डोंट वरी, बी हैप्पी इन योर लाइफ, ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम एंड ऑलवेज हैव अ ग्रेट फन। See you in next video. अगला वीडियो का इंतजार कीजिएगा, तो जल्दी ही आपका आने वाला है, और वीडियो भी मज़ेदार, जानदार और शानदार रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार से वीडियो रहा है उसी प्रकार का वो वीडियो रहेगा। ठीक है दोस्तों, तब तक ले
बाय बाय सब्बा खैर।